जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। बाबा महाकाल आपको हमेशा खुश रखे। आज हम स्टूडियो में बात करेंगे कि आपके परिवार में आपके शत्रु कौन हैं। ये बहुत ज़्यादा यूनिक और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। वो बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस युग में पारिवारिक लड़ाई झगड़े, पारिवारिक शत्रुता, पारिवारिक तकलीफें एक चरम पर है। बहुत ज़्यादा हद तक बहुत सारी चीज़ें हम बहुत से लोग फेस कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को कई सारी तकलीफें इस विषय को लेकर होती है। तो हमारे परिवार में शत्रु कौन है, पहला पॉइंट ये। दूसरा ये है, या हमारा कोई भी शत्रु, दोनों पॉइंट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और ये जो बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, ये आपके जीवन में शायद एक सकारात्मक बदलाव ला सकती है। तो स्टूडियो को पूरा और अंत तक देखें, बस मेरा यही निवेदन है। उससे पहले मैं एक आपसे छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में लिखें ओम नमः शिवाय। इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहली बात कि जब भी पारिवारिक शत्रुता की बात होती है तो वो डायरेक्टली नहीं होती है, वो इनडायरेक्टली होती है। इनडायरेक्टली का कहने का अर्थ यही है, किसी अन्य शख्स द्वारा ये बातें बताई जाना कि इन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा, ये कहा। मतलब सीधे सीधे बात ना होकर एक बिचौले के मध्य से चीज़ों का आप तक आना, चीज़ों को छन कर आना। और जब छन कर आना मतलब चीज़ों का किसी और व्यक्ति के द्वारा, किसी और माध्यम से आपको बताना। और यही चीज़ जो है पारिवारिक शत्रुता का पहला सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि लोग अच्छे परिवारों को बिगाड़ने के लिए कई सारी चीज़ें होती है और वो बहुत सारे अनुभव आपके लोगों के हो सकते हैं। तो कौन व्यक्ति क्या कह रहा है, कैसा कह रहा है, उसको क्या बताया गया है, उस कॉन्टेक्ट में वो व्यक्ति ये बात कह रहा है, जो बात आपको गलत लग रही है, सही नहीं लग रही है, लेकिन रियल में ये जो बात उन्होंने कही थी वो इस विषय में नहीं कही थी जिसमें आप समझ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जब दोनों व्यक्तियों के बीच, पारिवारिक जो लोगों के बीच जब गलतफहमियाँ बढ़ जाती है तो वो कम कभी नहीं होती, बल्कि वो गलतफहमियाँ आगे बढ़ती रहती है और वो बहुत बड़ी खाई बना लेती है। कुछ बातें ऐसी हो जाती है जो बातें नहीं होनी चाहिए और ये एक मुख्य वजह है। तो इसमें पहली और मुख्य बात कह देना चाहता हूँ कि जब भी कभी भी इस तरह की चीज़ें हो, पारिवारिक शत्रुता शुरू वो यहीं से होती है, तो आप कभी भी बैठ कर सुलह करके और बाहर आ जाए। क्योंकि इस दुनिया में दोस्तों सब दोस्त आपके साथ देंगे, सब देंगे, लेकिन परिवार के लोग चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, कैसे क्यों भी क्यों ना हो, वो ज़रूर अपने परिवार के साथी का सपोर्ट करते हैं। वो जो भी अच्छा बुरा जो भी हो वो एक अलग बात है, लेकिन वो सपोर्ट करते हैं। 90% 90% यही होता है, 10% मैं छोड़ सकता हूँ अपवाद स्वरूप, उन पर मैं बात नहीं कहूँगा, लेकिन यही चीज़। इसलिए जब भी पारिवारिक लोगों के बीच चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो तो बैठकर बात करें और सुलह की ओर जाए, ताकि वो चीज़ें आपको लाइफ टाइम डिस्टर्ब ना करें। और दूसरी बात, आप नैतिकता रहें, न्यायिक रहें, वही आपका कर्मफल है। अच्छा लगा लाइक करें, ओम नमः शिवाय।